नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिंह चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। तो ब्रेक के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है एंड अगेन जो है हम लोग वीडियोस जो है साई सिंह चैनल के रिज्यूम करेंगे। आज जैसे कि ट्यूसडे है, आप सब जानते हैं, आज हम लोग जो है एक साइड बूटी के एक्सपीरियंस को जो है शेयर करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो है वंदना जी का, जो कि है भोपाल से। तो इनका कहना है कि ये बचपन से ही, मतलब चाइल्डहुड से ही जो है साईं बाबा की डिवोटी है। मतलब शायद के घर में पहले से ही साईं बाबा को मानते होंगे, तो इनको है जो सारा सब कुछ पता था साईं बाबा के बारे में। तो इसलिए ये जो है बचपन से ही साईं बाबा की डिवोटी, उनकी पूजा अर्चा वगैरह सारा सब कुछ ये जान के थी। और हमेशा जो है जैसे उनको समझ आई तो उसके बाद जो है उन्होंने हर थर्सडे जो है फास्ट रखना भी स्टार्ट कर दिया। तो इट वाज नॉट काइंड ऑफ कि जो व्रत वाले हम लोग नौ गुरुवार रखते हैं वो वाले फास्ट नहीं थे, ये नॉर्मल वाले जो मतलब हर थर्सडे, जैसे कि मैं भी जो है नौ गुरुवार वाले व्रत अलग होते हैं जो कि सिर्फ संकल्प करके कोई विश पूरी करने के लिए होते हैं, बट जो डेली मतलब हर हफ्ते में हर थर्सडे के जो फास्ट होते हैं वो टोटली अलग होते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। तो ये जो है वो वैसे वाले भी फास्ट करती थी। और लकीली जो है इनका कहना है कि बाबा जो है हर टाइम जो है मतलब इनके साथ ही थे। जैसे कि मतलब ये जहाँ पे रहते हैं तो उस बिल्डिंग में मतलब साईं बाबा की मूर्ति थी, और फिर उसके बाद जहाँ पे इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी है तो वहां पे स्कूल में भी जो है बाबा की मूर्ति थी कहीं स्टार्टिंग ही गेट के पास वगैरह। और उसके बाद जो है जब ये कॉलेज भी गई तो वहां पे भी मतलब बाबा का स्टैच्यू था। तो कहीं पे भी ये जा रहे थे, इनको ऐसे लग रहा था कि बाबा का आशीर्वाद है, बाबा है, और उस तरह से जो है उनका डिवोशन कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। बट ऐसे ही जब एक बार ये बैठे हुए थे तो यूट्यूब पे जो है साई सिंह का मतलब मेरा जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है साई व्रत पे कैसे करना है क्या नहीं, तो इनको ये पता नहीं था, इनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और इनको लगा कि चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, मतलब क्या होते हैं साई व्रत। तो इनको इसके बारे में पहले पता नहीं था, या फिर शायद पता था लेकिन इन्होंने कभी मतलब सोचा नहीं था करने का। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, एक सही टाइम होता है, बाबा जब चाहते हैं कोई डिवोटी कुछ करे तो वो चीजें तभी होती है। तो इनका बड़ा मन कर गया, तो इन्होंने जो है वो वीडियो देखी मेरी पूरी सारी सभी साई व्रत की, तो इनके एकदम मन में आया कि नहीं अब तो मुझे ये व्रत करने ही है, मैंने कभी नहीं करा है तो ये नौ व्रत मैं जरूर करूंगी। तो अभी मन में तो आ गया बट कोई तैयारी नहीं थी, साई बाबा के व्रत की बुक भी नहीं थी, और एक्चुअली मतलब नेक्स्ट डे थर्सडे था और पहले दिन मतलब वेडनेसडे को रात को ही इनको एकदम से पूरा मन में फीलिंग आई, एकदम लगा कि नहीं करना तो मुझे कल से ही है, कल के थर्सडे से ही, तो अब मैं क्या करूं। तो इनको लगा चलो कोई बात नहीं पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ, तो साई व्रत की इन्होंने जो है पीडीएफ डाउनलोड भी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट डे कैसे तो भी मतलब इन्होंने जो है सारी सभी पूरी पूजा की तैयारी करी, व्रत करा, और जब पोथी रीड करने बैठे तो इनको पता चला कि अरे इसमें काफी सारी सभी चीजें ना ब्लर्ड है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रही है, और कुछ कुछ शब्द शायद इन्होंने गलत भी पढ़े होंगे। तो इनका ना मन अच्छा इनको लग नहीं रहा था कि अरे सारा सब कुछ तो कर लिया बट ये जो व्रत की बुक हम लोगों ने मतलब उन्होंने जो है पीडीएफ में फॉर्म में डाउनलोड करी है तो वो ये नहीं हो रही है, मतलब उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो अब किया जाए तो क्या करें। तो इनको लगा चलो ठीक है खरीद लेते हैं, या तो फिर एक काम करते हैं जब तक खरीदेंगे उसके पहले ना कोई ऐप मतलब डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद उसमें पढ़ेंगे। तो इन्होंने कोई ऐप भी डाउनलोड कर लिया उस चीज के लिए। उसके बाद जो है ये मंदिर चले गए साई टेम्पल में। तो इनके घर के पास कोई एक साई टेम्पल है जहाँ पे इनका कहना है कि ये रोज डेली जो है वहां पे आरती की जो शाम की होती है वहां पे डेफिनेटली जाते ही है। ठीक है, तो ये शायद 6 महीने से उनका चल रहा था, 6 महीने से ये मंदिर वगैरह जा रहे थे। तो उस दिन ऐसे ही अभी एज यूजुअल इनको लगा चलो चलते हैं, तो ये जो है वहां पे चले गए। और जैसे ही वो गए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो अब ये मिरेकल उनके साथ क्या हुआ। मिरेकल ये हुआ कि जैसे ये गेट के पास पहुंचे वहां पे कोई लड़की थी जिन्होंने शायद साई व्रत करे हुए थे और उसकी वजह से जो है उनका वो साई व्रत कंप्लीट हो गया, उन्होंने शायद उद्यापन करा होगा और वहां पे जो है साई टेम्पल में मंदिर में आके जो है वो सबको प्रसाद और साई व्रत की बुक भी बांट रही थी। तो ये दोनों चीजें हो रही थी और ये जैसे ही गई वंदना जी इनको जो है वो लेडी ने मतलब बनाना एज ए प्रसाद दे दिया और बुक भी दे दी साई व्रत की। तो जैसे ही वंदना जी ने व्रत की बुक देखी
तो इनको पूरी तरह से एकदम भरोसा हो गया, मतलब अभी पहले से ही भरोसा था, सारा सब कुछ था, बट एकदम इनको काफी अच्छा लग गया कि अरे वाह ये क्या, मतलब सच में बाबा है, बाबा महान है, बाबा और हर तरह से अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। इनको लगा कि बस यही सच बात है कि जब आप दिल से आप चाहो, आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ हमें बाबा के लिए करना है, बाबा के व्रत करने हैं, बाबा का पारायण करना है। अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, काफी लोगों को प्रॉब्लम है, उद्यापन कैसे होगा या फिर व्रत स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा, सारा सब कुछ शॉप्स वगैरह बंद है। मैंने सारे सभी को एक ही इंस्ट्रक्शन दी, बस आप चालू कर दो, देखो बाबा ना सारा सब कुछ, वो उनको फूल हार ये वो सारा सब कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल चीजें हैं, जो जरूरत है, जो हम दिखा सकते हैं बाबा के लिए, मतलब यूज कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ यूज करो और वैसे जो है आपकी इच्छा है तो स्टार्ट कर दो, बाकी सारा सब कुछ आगे का जो है बाबा अपने आप ही चीजें जो है वो संभाल लेते हैं। तो इसी तरह इनको यही वंदना जी को फीलिंग आई कि अरे मैंने बस सोचा, मेरे मन में एकदम इच्छा हुई व्रत करने की, और जहां मुझे बुक की जरूरत थी, मुझे चाहिए थी, और बाबा ने जो है खुद ही उसका इंतजाम मेरे लिए कर दिया। इनका ये कहना है वंदना जी का कि इतने 6 महीने से वो मंदिर जा रहे थे, बट आज तक उन लेडी को या वो लड़की को उन्होंने कभी नहीं देखा। अच्छा ना भी देखो, बट ऐसा कभी मतलब दिखा नहीं कि कोई मतलब आए हैं, व्रत किए हैं और उन्होंने बुक से या प्रसाद वगैरह बांटा है, या फिर बांटा भी होगा, बट कैसे होता है ना, वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि सही टाइमिंग होता है। तो जब आपको जो चीज मिलनी रहती है तो वो तभी आपको मिल जाती है। तो ऐसा था ये वंदना जी का एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ अभी मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगी, तो वो बात ये है कि बहुत बार जो है आप डिवोटीज पूछते हो कि दीदी साईं बाबा के जो व्रत बुक है वो बांटना जरूरी है क्या, या फिर हम लोग फल वगैरह ऐसे कुछ मतलब बांट देंगे खाने में तो चलेगा क्या। तो दो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखो व्रत आपने करने के लिए नहीं करना है, जस्ट विश है इसलिए आपने करना है, तो ऐसा नहीं। आप देखो फल बांट सकते हो, लेकिन फल में क्या होगा कि वो आप खुद तो नहीं बना रहे, राइट, यू आर जस्ट बाइंग द फ्रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। तो उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है, उसमें आपका कोई डिवोशन नहीं है। हालांकि बाबा ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोलते, आपके बजट के हिसाब से, आपके हिसाब से आप जो भी करो वो अच्छी बात है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि कैसा है ना, जब आप इतना व्रत कर रहे हो तो इसमें ना जितना आप बाबा की सेवा करोगे, जितना उनका भजन सुनोगे, ये 9 वीक्स जो होते हैं व्रत के, उनका नाम जाप करोगे, उनका पूजा और जो विधि होता है हर थर्सडे का वो करोगे, मतलब जो जो आप जितना मन से चीजें उनके लिए करोगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने ज्यादा आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप खुद कुछ अपने हाथों से बना के जो है खिला रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि व्रत की बुक्स क्यों बांटनी है, तो बांटनी इसीलिए है क्योंकि जैसे आप प्रॉब्लम में थे, ठीक है, तो बाबा से आप कनेक्ट हुए, अट्रैक्ट हुए, आपको लगा कि आपने भी व्रत करना है, आपने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, या फिर आपको कहीं से भी कोई भी रेफरेंस मिला, कोई इंसान मिला आपको, उन्होंने बोला अरे व्रत अच्छे होते हैं, व्रत करो, ये करो, वो करो, कहीं से तो आपको लीड मिला और आपने जो है आप मोटिवेट हुए और आपने व्रत रखा, आपकी विश पूरी हुई, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ऐसे कई लोग होते हैं, और जब हम बुक बांटते हैं तो क्या हो जाता है ना, तो जो लोग प्रॉब्लम में है तो उनको भी एक इंडिकेशन मिल जाता है, उनको भी एक सहारा मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं गाइडेंस मिल जाती है हमारे थ्रू, बाबा से जो आता है वो, मतलब बाबा चाहते हैं कि अच्छा वो भी इंसान प्रॉब्लम में है तो आप बुक्स बांटो, तो उनकी तरफ जब ये बुक जाएगी, जब वो रीड करेंगे तो उनकी भी इच्छा होगी, उनके भी जो प्रॉब्लम है तो उनके भी मन में व्रत वो करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स जो है फिर मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो इस तरह से जो है ये है इम्पोर्टेंस बुक बांटने का। तो इसलिए आप बुक बांटो तो ट्राई करो कि जितने व्रत कर रहे हो उतने बांटो, या फिर उसमें भी कोई ये नहीं है, आप 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 21 बुक्स भी जो है अपने हिसाब से जितना आप चाहो उतना बांट सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ डेफिनेटली आप बांटिए जरूर। आपको जैसे हेल्प करी है हुई है उस बुक की, उस व्रत की, तो वैसे ही जो है बाबा जिनको जरूरत है उनकी तरफ जाए, वो लोग भी व्रत करें और उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस का भी आंसर अभी आपको क्लियर हो गया होगा।
और लास्ट में इस एक्सपीरियंस का मुझे लगता है यही है कि दिल से आप जो भी करना चाहो डेफिनेटली करो, ज्यादा कुछ विचार ना करें ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सच में इच्छा है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, और अगर नहीं भी है बस आप स्टार्ट करिए, बाबा सारा सब कुछ जो है पॉसिबल कर देते हैं। तो आई होप आज का मिरेकल एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद द न्यू साई डिवोटी एक्सपीरियंस। ओम साई राम।